नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं ACC न्यूज़ टुडे। लीना मैनी में काली की डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त विवाद छिड़ गया है। लोग इस पोस्ट पर अपनी जमकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि क्यों हमेशा हिंदू देवी देवताओं को लेकर इस तरह की फिल्मों को बनाया जाता है, उनका ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट जारी किया जाता है। वहीं जारी हुए इस पोस्ट में माँ काली को सिगरेट पीते हुए और साथ ही साथ में LGBT का झंडा लिए आ रही नजर, जिसको लेकर लोगों के बीच काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। साथ ही इस पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया पर वार छिड़ गया है। वहीं इस मामले पर हर कोई अपनी बात रख रहा है, जिसमें नेता से लेकर अभिनेता तक का नाम शामिल है। इसी बीच भोजपुरी से लेकर हिंदी और साउथ सिनेमा में अपना नाम बनाने वाले एक्टर और BJP सांसद रवि किशन ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इसको घिनौना बताया है। हाल ही में रवि किशन ने ट्वीट किए हैं, जिसमें से एक उन्होंने इस फिल्म का पोस्टर और लीना को फोटो साझा करते हुए लिखा, ये फिल्म नई घिनौनीपन है। वामपंथी सोच से गरिष्ठ ये लोग कब से हमारे देवी देवताओं को गलत रूप में दिखाएंगे, ये फिल्म और इसके पोस्टर सदैव के लिए बैन किए जाएं, ये आवाज़ मैं सदन में भी उठाऊंगा। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लीना के एक ट्वीट में साझा किया है, जिसमें शिव के रूप में एक आदमी और देवी के रूप में आदमी को सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं, जिसको रीट्वीट करते हुए रवि किशन लिखते हैं, मानसिक रूप से बेमान नफरत आपको बनाती है, आपको पुनर्वास की सख्त ज़रूरत है। साथ ही रवि किशन के इन ट्वीट्स पर यूजर्स और कमेंट्स कर अपनी प्रक्रिया जाहिर कर रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि हम इसको बॉयकॉट कर देंगे। वहीं कुछ का कहना है कि हिंदू देवी देवताओं को बॉलीवुड वालों ने मजाक समझ लिया है। इससे पहले स्वरा भास्कर ने लीना मणिमेकाई और काली के पोस्टर का समर्थन किया था। साथ ही TMC नेता महुआ मोइत्रा ने इस पोस्टर का समर्थन करते हुए कहा था कि ये आपके ऊपर है कि आप माँ काली को किस रूप में लेते हैं। सांसद के इस बयान का समर्थन करते हुए स्वरा ने लिखा था कि महुआ मोइत्री को टैग करते हुए लिखा कि महुआ मोइत्री शानदार हैं, उनकी आवाज़ को और हिम्मत मिले। ट्रोलर्स ने उनकी जमकर क्लास लगाई थी और कमेंट्स में खूब खरी खोटी सुनाई थी। वही हिंदू संगठन लगातार इस फिल्म के पोस्टर का विरोध कर रहे हैं, साथ ही लीना मणिकलाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं।